अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत नाइट ब्लस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज मैं आपको सिंपल एंड बता रही हूँ पार्टी आई मेकअप लुक, मॉडर्न मॉडल आई मेकअप लुक, ठीक है। और वो आप पार्टी मेकअप में भी शामिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पार्टी मेकअप मॉडर्न एंड मॉडल दोनों ही बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इससे पहले मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो व्यूअर्स, मैं पहले जो मैंने इसकी आई की प्रिपरेशन कर दी थी, अब मैं इसकी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो आज मैं कॉन्टोरिंग पहले लाइट पिंक से कर रही हूँ, ठीक है। लाइट पिंक कलर से मैं इसका कॉन्टोर कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कल में इसकी हमने आई मेकअप की डेप्थ तो क्रिएट करनी ही होती है। हमने स्लाइट सी लाइट पिंक से इसकी कॉन्टोर करा, इस वाली आँख को भी। ये मेरे पास बेबी पिंक शेड है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब बहुत इजी है, आप चाहें तो ब्लैक पेंसिल से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट जेल लाइनर से भी कर सकते हैं। मगर मैं स्पेशली अपनी बिगनर्स के लिए बहुत इजी वे में बता रही हूँ, ताकि वो उसको डायरेक्टली, अगर जेल लाइनर बहुत कम लोगों से संभलता है तो मैं डायरेक्ट वो नहीं अप्लाई कर सकती, तो पहले वो क्या करें कि ये डॉट डालें, ठीक है। ये मैं मेजरमेंट बता रही हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे इस तरह डॉट डाल के इसी तरह, ये देखें, लिफ्ट स्टाइल में ये देखें, ठीक है। इस तरह आप डायरेक्ट डॉट डाल लें, फिर इसके ऊपर जब आपका हाथ सेट हो जाए, ये देखें, ठीक है। फिर आप जब इस तरह आपका हाथ सेट हो जाए, फिर इसके बाद आपने जेल लाइनर से, या आप जैसे आपको कन्वीनियंट हो, आप ज़ीरो साइज़ का ब्रश ले लीजिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरह आप लोग को नज़र आएगा, ये हमने नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए इस तरह आपने पूरा वो बनाना है, वेन बनाना है हल्का सा, ये देखिए आई की हमने बिल्कुल जो आई का शेप है उसको हमने बनाना है, ठीक है। इस तरह करके, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना होगा कि हमने पिंक, पहले तो हम लाइट जो टेल डक, और हमने इसके कॉर्नर को इनर कॉर्नर और शॉर्ट आई कॉर्नर बनाने, इसी तरह इसका शॉर्ट कॉर्नर आउट कॉर्नर बनाना है, ठीक है, और इनर कॉर्नर शॉर्ट बनाना है, तो ये बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, ये देखें, दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना, पिंक लाइट इसमें फिलअप कर देना है, ये वेलवेट शीट आप देख रहे होंगे जी। बस अब मैं इसको पहले मैट पिंक लगाऊंगी, फिंगर से लगा रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ये बड़ा खूबसूरत लगता है पार्टी मेकअप लुक, स्पेशली गर्ल्स पर। और आप ये मेकअप ब्राइडल पे भी कर सकते हैं, इंगेजमेंट ब्राइड पे भी कर सकते हैं, ब्राइडल मेकअप लुक कर सकते हैं इंगेजमेंट पे, और वलीमे पे भी आप कर सकते हैं, और पार्टी में तो खैर कर ही सकते हैं। फिर मैं इस पर वेलवेट शेड लगाऊंगी, तो बड़ा इंटेंस होके आएगा, क्योंकि मुझे कॉर्नर पे करना है, तो कॉर्नर पे मेरा हाथ इक्वल ले जाएगा, तो मैं ये इसको ब्रश से लगा रही हूँ, ताकि मेरा टेल डक इनर कॉर्नर अच्छे से इस पर आई शेडो लग जाए। बड़ा सॉफ्ट सा आई मेकअप लुक लग रहा है, और इसको मज़ीद हम मॉडर्न करेंगे। अगर कलर फॉल आउट हो तो घबराना नहीं है, आपने उसको
डस्ट ऑफ कर देना और पूरे को फिल करना। अरेबिक भी कह सकते हैं इस आई मेकअप लुक को। मैं फॉल आउट हुआ इसको यूज किया, इसको हमने ये देखिए ठीक है ना, और देखने कितना हसीन कितना खूबसूरत लग रहा है। हम क्या करेंगे इसको मज़ीद क्रिएट करेंगे, हम करेंगे ग्लिटर से एक बार एक ब्रश लेंगे और हम इसको लगाएंगे ग्लिटर आईलाइनर के साथ। एक हमने ग्लिटर की आईलाइनर लगाना है ब्लैक आईलाइनर के साथ, इसको हमने टैप मोशन में ही लगाना होगा ग्लिटर को बिल्कुल एक लाइन से आईलाइनर के ऊपर बनानी होगी। आप देख रहे होंगे ब्लैक लाइनर की लाइन के साथ आपने इसको लगाना, और जैसे कि आजकल ब्राइडल ड्रेसेस में बहुत सॉफ्ट कलर चल रहे हैं तो इस टाइप का मेकअप बहुत अच्छा जाता है। क्रिएटिव मेकअप भी कह सकते हैं इसको आप, मॉडर्न मेकअप भी कह सकते हैं, ग्लैमर मेकअप भी कह सकते हैं, ग्लैमर पार्टी मेकअप। कोई भी क्लाइंट, मैं स्पेशली अपनी बिजनेस के लिए ये बात कह रही हूँ, कोई भी क्लाइंट ग्लैमर मेकअप मांगे तो आप इस तरह का मेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने डिस्टर्ब नहीं होना है कि ग्लैमर मेकअप क्या होता है, तो वो इसी तरह का ही होता है। इसको चाहे आप जितना बारीक लाइन बनाएं या आप इसको मज़ीद इंटेंस करना हो तो आपने लाइनर को थोड़ा सा थिक भी कर देना है तो वो सब चलेगा। ये देखिए ठीक है, इसी तरह इसके इनर साइड पे कर दें, आउटर कॉर्नर से लेके चलें और इनर कॉर्नर तक का जो ब्लैक लाइनर से मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसके नीचे आप दे सकते हैं। जी बस ये देखिए हमने इसका पर, और आप चाहें इसको मज़ीद क्रिएट करने के लिए आपकी जो टेल डक की इनर कॉर्नर है इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, और इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम आउट लाइन इधर भी दे सकते हैं। जितना आप इस मेकअप को क्रिएट कर देंगे ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, कितना इसमें ग्लैमर लुक दे सकते हैं। तो ये बड़ा, आप चाहें तो आप इधर नहीं भी दें, आप चाहें तो दे भी दें, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको कितना क्रिएट करना चाह रहे हैं खूबसूरती के तौर पर। ठीक है, अब हम इसकी लगाएंगे आईलैशेस। आईलाइनर तो हमने इसकी पहले एप्लीकेशन कर दी, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा आईलाइनर को डार्क कर दें ताकि, क्योंकि हमने जब ग्लिटर, अच्छा ये आप लैशेस के बाद भी लगा सकते हैं और ये आप ग्लिटर लैशेस के बाद भी लगा सकते हैं, मगर मैं बिगनर्स के लिए कह रही हूँ पहले आप लैशेस लगा लें, देखिए अगर आपसे नहीं संभला तो वो मुश्किल लगेगी आपको बहुत। तो ये है कि आप पहले, बेटर ये है आप लोगों के लिए कि आप पहले लैशेस लगा लें फिर आप ग्लिटर लगाएं तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं आई लैशेस की एप्लीकेशन। देखिए नोज कंट्रोल किया ये इस तरह करके, फिर तो इसको ब्लेंड आउट करना है ठीक है, और फिर इसको करना है हाईलाइट। ठीक है, फिर इस आई मेकअप लुक को ग्लैमर आई मेकअप लुक भी कह सकते हैं आप और मॉडर्न भी कह सकते हैं। ये मेकअप लुक आप इंगेजमेंट पे भी कर सकते हैं और वलीमा ब्राइडल मेकअप पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बड़े सॉफ्ट कलर चल रहे हैं, वलीमा ड्रेस बहुत सॉफ्ट कलर चल रहे हैं तो उस पर इस टाइप का आई मेकअप लुक बहुत अच्छा जाने वाला है। तो
बलिनिया पे बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कलर चल रहे हैं बलिनिया पे ड्रेसेस के, तो उसको ये इस तरह का सॉफ्ट सा सेटल सा आई मेकअप लुक बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको पार्टी में भी कर सकते हैं, इंगेजमेंट मेकअप में भी कर सकते हैं, वलीमा बर्डल मेकअप भी कर सकते हैं। तो इस तरह का मेकअप, तो अगर ये मेकअप आपका ग्लैमर भी है, मॉडर्न भी है और क्रिएटिव भी है, तो अगर आपको मेरा ये आई मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत नाइट प्लस से अल्लाह हाफिज़।